ये मेरा इंडिया। ओए होए, क्या बात है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मैं ना ऐसी वाली जिंदगी जीने आया हूँ। भाई ओए होए, क्या नजारे हैं भाई, खतरनाक। और उसके बाद यहाँ पे ना सामान रखने की जगह है, और ये देखो यार, ये कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का, जो भैया बहुत ही कंफर्ट है, बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस भी आ रही है, और ये जो सीटें हैं ना, ये ऐसे ना पूरी घूम जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अगर देखो यार, आपको हमारी मदद अच्छी लगे तो वीडियो को ना जरूर 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 लाइक करना, ठीक है। कैसे हो जी, क्या हाल है जी, कितने पैसे लगेंगे? हाँ रेलवे 500 रुपये। और नहीं भाई, सही सी बताओ, ये तो ऑटो वाले तो भाई बहुत स्कैम करते हैं भाई, होटल वालों के साथ मिलके। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक वाली ना इस टाइम पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही जबरदस्त वाली स्नोफॉल हो रही है। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं घर के अंदर या मतलब अपने इस रूम के अंदर बैठूं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं और जाके ये फुल ऑन वाली ना मस्तियां मारूं, इंजॉय करूं। मतलब किसका मन नहीं करेगा। वैसे देखो ना, टेम्परेचर इस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा वाला डाउन है, ठंड लग रही है, बट फिर भी ना यार, ओहो क्या मजे हैं, यही तो मजे हैं कश्मीर के। ओ भाई मेरे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लग जाएगी। अरे भाई साहब, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी नीचे जाऊं और इनके साथ खेलता हूं। बाकी हमने अपना आज वाला व्लॉग यहां से स्टार्ट कर दिया है। सो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस चेक करो, मैं नीचे आ गया हूं। और भाई क्या यहां का ना माहौल है, मतलब चीज़ चेक करो यार, कैसे मतलब मैं ना आपको ना अपनी ये सारी चीज़ें ना बोल के तो बयान कर ही नहीं सकता हूँ, बट स्टिल यार शायद आपको मेरी वीडियो के अंदर देख के पता लग रहा हो या मज़ा आ रहा हो। देखो यार भाई, गाड़ी देखो कैसे भरी हुई है, सड़कें देखो कैसे पूरी है, और ओए होए ओए होए, ये देखो जरा भाई, लाइट नहीं है सुबह से इसी वजह से, और ये देखो ऑटो। अपना ऑटो आ रहा है ना, मैं मतलब रोकू नहीं ना फिर कोई भी, ठीक है मैं रोक नहीं रहा, ठीक है भाई। चेक कर रहे हो, फुल ऑन नज़ारे, मज़ा आएगा। बाकी अंदर चलते हैं, कहीं भीग ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को ना अभी आगे कहीं और भी जाना है, तो यहीं भीग जाऊँगा ना तो काम ख़राब हो जाएगा, पगड़ी भी पूरी मेरी भीग चुकी होगी। कैसे हो जी, क्या हाल है जी, कितने पैसे लगेंगे? हाँ रेलवे 500 रुपये। और नहीं भाई, सही सी बताओ, 500 रुपये कह रहे हैं यार, ये तो यार नहीं, दूर घंटा लगेगा है, घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ जाने का। गरीब मार मत करो यार, गरीब मार कर रहे हो यार। नहीं नहीं, कितने लगेगा पैसे, कितने लगेगा? आप किसी से भी पूछो, रोड अभी खराब है। हाँ बहुत ज्यादा लगेंगे भाई। अमृतसर से हूँ मैं, हाँ पड़ोसी हूँ तुम्हारा, पैसे ठीक लेना। एक घंटे का बन जाएगा। अच्छा तो ये 4x4 नहीं है, ऑटो 4x4 नहीं है। खतरनाक भाई, खतरनाक। थोड़ा करीब से देखो, ओए ओए करीब से, सारे पेड़ देखो यार कैसे के हो रहे हैं, सब कुछ वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट, वाइट चादर। अरे भाई, अरे भाई, हम ऑटो के अंदर घूम रहे हैं। ये देखो यार, ओए ओए क्या स्नो गिर रही है मस्त वाली। खतरनाक वाली ना ठंड लग रही है, हाथ ना मेरे बहुत ज्यादा वाले ना बिल्कुल फ्रीज हो रही है, और ना मैं ग्लव्स लेकर आना भी भूल गया हूँ, और साथ के साथ ना जीन्स के नीचे ना मैंने एक थर्मल पहनना था वो भी नहीं आया, तो मतलब ऊपर से तो मैं यहाँ से तो कवर हो गया हूँ, बट ना जीन्स के नीचे भी ठंड लग रही है, और हाथों हाथों बहुत ही बुरा हाल हो रहा है।
तो यहाँ का ना इस स्टेशन का कुछ ऐसा नज़ारा है, और भाई साहब चेक कर रहे हो यार, मतलब क्या ही खतरनाक वाला नज़ारा है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अगर देखो यार आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को ना ज़रूर 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 लाइक करना, ठीक है? और हम इस नज़ारे को आगे चलते हैं, इंजॉय करते हैं। बाकी जो ट्रेन वाला ब्लॉग होगा ना वो अलग से आएगा, तो मैं उस वाले ब्लॉग को ना इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा, ठीक है? बाकी ये स्टेशन के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, खाली यहाँ का नहीं, इस टाइम पे ना पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा ही नज़ारा है, बेसिकली कश्मीर में। हाँ जी, A few moments later. बाकी गाइस मैं ना बनिहाल स्टेशन आ चुका हूँ श्रीनगर से, उसका मैंने व्लॉग अलग से बनाया था। बाकी यहाँ पर ना एक ट्रेन का बॉक्स, ये जो डब्बा है ना इसको कहते हैं विस्टा डोम, आपको अंदर चल के ना एक बार दिखा के लेकर आता हूँ। ये ना डब्बा बहुत ही सुंदर है अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर देखो पूरा इन्होंने ना कश्मीर का एक ये कल्चर और वहाँ के कपड़े और वहाँ के लोग दिखाए हुए हैं, और कैसी वादियाँ हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, उसकी सारी पेंटिंग करी हुई है इस बॉक्स, इस डब्बे के दोनों तरफ। ये वाला जो डब्बा है ना ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है, इसकी टिकट है 945 रुपये है। बाकी मैंने इसके अंदर ट्रैवल नहीं करना, मैं जस्ट आपको अंदर से दिखा के लेकर आता हूँ, और उसके बाद ना यार हम यहाँ से ना कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। और इसकी ना जो विंडो है वो बहुत ही बड़ी है, और प्लस ना ये जो अंदर की सीट्स है ना ये 360 घूम जाती है, और ऊपर का नज़ारा भी बिल्कुल अलग है। तो ये जो है टूरिस्ट ट्रेन है, और ये देखो इसकी ना टिकट थोड़ी नहीं काफ़ी महंगी है, तो यही वाला सीन है। तो इसलिए हम इसमें ट्रैवल अभी नहीं करके आए, सिर्फ स्पेशली इस डब्बे की टिकट, बाकी सारे डब्बे नॉर्मल है। हाँ जी, एक बार आपको अंदर से दिखाऊं, चलो चलो दिखाते हैं आपको अंदर से। और ये देखो ये हम करेंगे पुश, और उसके बाद यहाँ पे ना सामान रखने की जगह है, और ये देखो यार ये कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का, जो भैया बहुत ही कम्फर्ट है, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस भी आ रही है, और ये जो सीटें हैं ना ये ऐसे ना पूरी घूम जाती है, इसके अंदर बटन लगा हुआ है, अभी मैं छेड़ूंगा नहीं। सो यही वाली चीज़ है, और यहाँ पे ना ये देखो प्लग पॉइंट वगैरह भी दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए, और साथ में ना यहाँ पे लिखा हुआ आता है, और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है ना, तो अभी तो स्नोफॉल से ना ये सारी चीज़ें ढक गई हैं, जब स्नोफॉल नहीं होती तो ऊपर से बहुत ही आसमान का ना क्लियर वाला विजन, क्लियर वाले नज़ारे भी दिखाई देते हैं। सही है जी, सही है। बाकी चलते हैं बाहर वापस, कहीं ये ट्रेन में हम ना फंस ना जाए। और ये यहाँ के ना इसके वॉशरूम्स हैं, एक बार आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा वॉशरूम है, प्रीमियम वाला, क्या बात है क्या बात है, बढ़िया। और यहाँ पे ना मैंने अपने लिए कश्मीरी कावा बोला है, और ये देखो ये कुछ ब्रेड्स हैं, और एक वो भी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुलचा, और उसको क्या बोलते हैं, क्या चीज, गिरदा, गिरदा, ओके। और ये आ गया मेरा कश्मीरी कावा, ये देखो ये है कुछ इस तरीके से दिखता है, और सही है, पीते हैं इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया इसको पी के ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्का हल्का सा मीठा है पर बहुत ही स्वाद है, और ऊपर से ना गरम गरम है, बहुत सही है जी, बहुत सही है, मज़ा आ गया। मैंने लिया है बटर लगा के गिरदा, ये देखो सबकी फ़ोटो लूँगा, आपकी भी लूँगा, ठीक है? अभी ना ट्रेन की वेट हो रही है, तो इस करके कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। मैंने चाय ली है, और यहाँ से ली है भाई, चाय ना इतनी ज़्यादा टेस्टी है, मैं क्या ही बताऊँ, एक नंबर चाय है। और साथ में मैंने ना ये हल्दीराम के ये नट्स ली। बाकी यार मैंने ना दोबारा से यहाँ से टिकट ले ली है, 45 रुपये की टिकट है, जो बनिहाल स्टेशन से मेरे को श्रीनगर तक छोड़ेगी। और यहाँ पे भैया बहुत तगड़ी वाली स्नोफॉल हो रही है, ठीक है? और ये हमारे सामने खड़ा है विस्टा डोम वाला कोच, जो भाई साहब बहुत ही मतलब महंगी टिकट है इसकी, 945 रुपये के आसपास की इसकी टिकट है, और उसके बाहर ना यार कश्मीर की पूरी पेंटिंग करी हुई है, बहुत सही है। बाकी चलते हैं आगे, अपनी ट्रेन ना दूसरी वाली साइड पर खड़ी हुई है, वहाँ चलते हैं, और चल के गाड़ी के अंदर ना बैठते हैं। वैसे गाड़ी को चलने में ना अभी टाइम है, बट फिर भी ना वहाँ तक चलते हैं। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, ओए भाई क्या नज़ारा है, चेक कर रहे हो, ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है। ये सारी चीज़ देख के ना लगता ही नहीं है कि भाई ये अपना इंडिया है, और इतना सुंदर यार, इतना सुंदर, इतना सुंदर। लोग ऐसे ही जाते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह, यहाँ वहाँ भाई ये सबसे नंबर वन पर है, स्विट्ज़रलैंड भी पहले इसके आगे। हाँ जी, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ओए होए क्या बात है,
चेक कर रहे हो यार? मतलब मेरे को ना यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि यार अपने इंडिया के अंदर ना अपने को ऐसे इतने प्यारे प्यारे नजारे दिखेंगे। यहाँ चेक कर रहे हो आप, एक चीज यहाँ पर देखो यार, बिल्कुल ना ट्रेन का जो ट्रैक है ना भाई, वो विजिबल ही नहीं है, पूरा स्नो से कवर है, गंदे तरीके से भाई साहब। कहाँ जा रहे हो? कट्टी कट्टी नहीं करनी मेरे को, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। हाँ भाई, इसके दोनों पैर खराब हैं, आगे वाला भी पीछे वाला भी। ओहो, श्रीनगर की तरफ जाना है, वो थोड़ी देर बाद जाएगी, वो प्रीमियम वाली है और ये नॉर्मल वाली है, हम नॉर्मल वाली में जाएंगे भाई। भाई चेक करो क्या सही नज़ारा ना यार, आपको यहाँ से ट्रेन का इंजन दिखाता हूँ। ओए बर्फ के ना बिल्कुल गुच्छे भर भर के ऐसे नीचे आ रहे हैं, धड़म 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 करते हुए, जो इकट्ठी हो जाती है ना बर्फ ऊपर, देखो जैसे वो भी आने वाली है, थोड़ी सी देर में आ जाएगी। और ये अपनी ट्रेन का इंजन है, ये जो ट्रेन है ना, इनके इंजन ना दोनों साइड पर है, मतलब जैसे दिल करता है वैसे चला लेते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों साइड पर इंजन है। और ये इंजन है तो ठीक है। और ये देखो ये ट्रैक, तो मैं दिखा रहा था ना कि भैया बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं ट्रैक, वो वाली स्टोरी है, और बर्फ ही बर्फ है। होए 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 होए, चेक कर रहे हो? ओ भैया रेलवे ट्रैक कहाँ गया? ओ भैया रेलवे ट्रैक कहाँ गया? यहाँ पे रेलवे ट्रैक था, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? ओ भाई क्या नज़ारा है। बनिहाल के बाद ना ये जो स्टेशन अभी आने वाला ना भाई, यहाँ पर इस एरिया के अंदर ना मुझे बनिहाल से भी ज़्यादा बर्फ दिख रही है। ये देखो यार, ओए है ना यार, ज़बरदस्त खतरनाक वाली बर्फ भाई साहब, चारों तरफ, मतलब यार ये आंखें ना मेरी बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि इतना वाइट वाइट भी कुछ हो सकता है यार। भाई चेक कर रहे हो यार, ये ना मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों को ना बिलीव ही नहीं हो रहा भाई कि मैं ऐसे वाले नज़ारे भी ले रहा हूँ। सच्ची में देख रहे हो? ओए होए ओए होए, भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मैं ना ऐसी वाली ज़िंदगी जीने आया हूँ भाई। ओए होए क्या नज़ारे हैं भाई, खतरनाक, मतलब ये सब चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं यार, पहले ना अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी यार। ओए होए 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 होए, मैं अपने आप को ना बड़ा सही समझ रहा हूँ, मैं ये वाले नज़ारे ले पा रहा हूँ भाई। चेक कर रहे हो, मतलब सुपर से भी ऊपर, वो क्या कहते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, खतरनाक यार, खतरनाक, ऑसम। और यहाँ हमारी ट्रेन चल रही है, ओए होए। और ये स्टेशन आ गया, जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पर भाई बहुत बर्फ है। ओए देखो घर, देखो जरा कैसे घर ना ऐसे बर्फ से ढके हुए। ओए होए होए, क्या मस्त नजारा यार, ऑसम जी ऑसम, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। ओए होए ये देखो, कतल कतल कतल, होए 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 होए, घर देखना यार कितने सही लग रहे हैं यार यहाँ पे ना, ये कितने ही सुंदर लग रहे हैं, कितने ही सुंदर लग रहे हैं, ये कैमरा और ये सब चीज़ें ना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, है ना, वही बात है, दिल खुश हो गया ये सारी चीज़ें देख के। ओए होए, ये बर्फ ना पता नहीं कितनी ज्यादा होगी, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा मैं, बट ये काफी अच्छी खासी बर्फ है। वो देख रहे हो गाड़ी की छत पे देखो जरा, और उस साइड पे ना स्टेशन आया, चलो आपको स्टेशन दिखाते हैं। हाँ जी स्टेशन आ गया, इधर जाना है आपने। ओ भाई ये है ना खतल, ओए होए होए, क्या हो गया, कह रहे अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ, ओहो बाहर नहीं जाने दे रहे ये तो यार। बट है ना जबरदस्त बर्फ यहाँ पे यार, डेढ़ फीट गिरी है, कितनी बर्फ है, डेढ़ फीट, कम से कम डेढ़ फीट है, दिखाना तेरा, हाँ यार डेढ़ फीट तो है ही आराम से। अरे यहाँ पे गाड़ी रोक लो यार 5 मिनट यार, आगे तो पूरा प्लेटफॉर्म ढका हुआ है। ओ यार ये देखे ना सीट, देखना भाई सीट के ऊपर ही कितनी बर्फ है, ओए होए होए कतल, एवलांच पूरा सामने गिर रहा है। ओ भाई ये देखना, ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, फुट ओवर ब्रिज ना, ये भी कैसे भरा हुआ है बर्फ के साथ भाई। ये वाला स्टेशन है हिलर शाहबाद, ठीक है, यहाँ पे भाई तगड़ी बर्फ है, वो गाड़ी देखना भाई, ओए होए होए, जबरदस्त यार, मजेदार मजेदार मजेदार।
क्या ही मजेदार है। साढ़े पांच हो गए हैं और फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई है श्रीनगर के स्टेशन पे। और भाई अब आगे चलते हैं, अब आपको ना श्रीनगर घुमाते हैं, ठीक है। ट्रेन वाला ब्लॉग तो मैंने अलग से बना दिया था, इससे पहले आपने देख लिया होगा। बाकी अब हम ना स्टेशन से अपना डल गेट तक जा रहे हैं बाय बस, ठीक है। सुबह तो ऑटो पे आया था, ऑटो वाले ने बहुत पैसे ले लिए थे, बट अब मैं ना बस पर जाऊँगा। यहाँ पे ना रेड बस चलती है तो उस पर हम ट्रेवल करने वाले हैं भाई, वो बेस्ट चीज़ है। नहीं तो ऑटो वाले तो भाई बहुत स्कैम करते हैं भाई, होटल वालों के साथ मिलके। भाई ये बस है, बट बस ना पूरी तरीके से फुल, बस पूरी तरीके से भर गई है क्योंकि पूरी ट्रेन बस के अंदर घुस रही है भाई। मैं भी घुसूंगा भाई, मैं भी घुसूंगा। चलो चलो चलो, मैं रहना जाऊं भाई। चलो बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी बोलो। तो भाई आपका ये वाली बस से रेलवे स्टेशन से यहाँ तक डल गेट के पास आ गया हूँ मैं। बाकी अभी ना मेरे को यहाँ से जाना है, पहले थोड़ा सा घूमते फिर उसके बाद ना मैं गुरुद्वारा साहब जाऊँगा। तो यही वाला सीन है, मैं गुरुद्वारा साहब आ गया हूँ श्रीनगर के अंदर। गुरुद्वारा छठी पातशाही करके नाम है इस गुरुद्वारा साहब का, और ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है। गुरुद्वारा साहब ना यार बहुत ही सुंदर लग रहा था दूर से, बट ना मैं ऑटो के अंदर था ना तो मैं कैमरा बाहर निकाल नहीं पाया, आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और वैसे ना ये मेन एंट्रेंस है गुरुद्वारा साहब की यहाँ से, और ये छोटा गेट खुला होता है। और उसके बाद अभी हम ना ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, जूते उतारने हैं, पहले जूते उतार के इस गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। और वापसी में ना ये जो सामने देख रहे हो वेल ऑफ नेक्टर करके लिखा हुआ है, खूह साहिब खूह बनाया था, यहाँ पे ना इसके रिलेटेडली कुछ इतिहास है। तो चलते हैं अंदर गुरुद्वारा साहब के। और ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी स्नो इकट्ठी हुई हुई है, बाकी क्योंकि स्नो तो पड़ी है ना यार एक्चुअली में सारा दिन यहाँ पे। और चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर। मेरा सतगुरु सो धन सोहावा, राम राजे सो धन सोहावा, राम राजे सिखी सो धन पाया। वाहिगुरु जी है ना, माता पाक परी जी की समाध हैगी है, एंड इत्थे साढ़े गुरु साहब बैठे सी है इस स्थान दे, आई है वाहिगुरु जी। चलो थैंक यू वाहिगुरु जी थोड़ा। बाकी यार मैं गुरुद्वारा साहब से ना निकल कर यहाँ पे खाने के लिए आ गया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है क्योंकि देखो सुबह से मैंने आपको ना कुछ भी नहीं दिखाया कि मैंने आज खाया क्या, बहुत ही ना के बराबर आज चीज़ें खाई हैं। बाकी अभी भूख लगी हुई है तो अंदर चलते हैं, और ऊपर से ना ये वेज रेस्टोरेंट है और अपने को ना यहाँ पर सारी चीज़ें वेज में ना मिलेंगी। यहाँ देखो मस्त वाली ना टिक्की गर्म हो रही है, मस्त मस्त टिक्कियाँ बन रही हैं, बड़ी सही वाली फ्रेगनेंस आ रही है। टिक्की को देख के ना मेरा भी मन ना टिक्की खाने का कर ही गया, मैंने कहा भाई टिक्की खा ही लेते हैं क्योंकि ना इसकी खुशबू बहुत सही आ रही थी। तो यार अब टिक्की खाते हैं मज़ेदार। और इन्होंने ना देखो छोले भी डाले और ऊपर से ना पनीर और प्याज वगैरह डाल के दिया, बहुत सही है। तो उसको खाते हैं, ठीक है, और इन्जॉय करते हैं। और ये अपने पास आ गए हैं जम्मू के फेमस राजमा, राजमा खाएंगे और साथ में ना दो रोटी खाएंगे। जम्मू कश्मीर में ना लोग राजमा बहुत खाते हैं, खासकर ना जम्मू के अंदर, और वैसे तो कश्मीर में भी बहुत खाते हैं, बट फिर भी ना यहाँ की जो राजमा है ना उसका टेस्ट ना हमारे वहाँ की राजमा से काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। और साथ में ना अपने को ये चटनी और ये प्याज मिला है, ठीक है। हाँ जी खाना खा लिया है, और खाना खा के ना बहुत मज़ा आया भाई, सुबह से ना कुछ ढंग से खाया नहीं था, अब जाके पेट भर के खाना खाया है। बाकी मेरा होटल ना पास में ही है तो पैदल पैदल आराम से नज़ारे इंजॉय करते हुए और ठंड में ठुठुरते पहुँचते हैं अपने होटल तक, ठीक है। थोड़ी सैर भी हो जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, तो वहाँ तक पैदल जाएंगे, यही सीन है।